हेलो बडीज़, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक सॉफ्टवेयर आखिर बनता कैसे है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो बडीज़, आपको अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कंप्यूटर क्या होता है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए ही बनाओगे। ठीक है, तो कंप्यूटर की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो ये होती है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। मतलब अगर कोई चीज़ को आपको कंप्यूटर बोलना है तो उसको एक तो इलेक्ट्रॉनिक होना पड़ेगा, इनपुट वो कोई इनपुट लेनी चाहिए, प्रोसेस करना चाहिए और आउटपुट देना चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें उसमें हैं तो वो एक कंप्यूटर है। अब एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो अपने लैपटॉप होते हैं और पीसीज होते हैं, यही केवल लैपटॉप नहीं होते हैं, मतलब कंप्यूटर्स नहीं होते हैं। मतलब अपन समझते हैं कि केवल वो जो पीसीज होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं, वही कंप्यूटर होते हैं। नहीं, कंप्यूटर्स और भी तरह के होते हैं। जैसे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है। मतलब आप उसमें कुछ इनपुट देते हो, 2+4, तो वो इनपुट लेता है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनपुट लेता है, ठीक है, और प्रोसेस करता है, वो उसमें जोड़ता है उसको ALU की मदद से, और उसके बाद आउटपुट दिखाता है आपको स्क्रीन पे। ठीक है, मोबाइल भी अपना एक लैपटॉप हुआ, क्योंकि वो भी इनपुट लेता है, आपको प्रोसेस करके आउटपुट दिखाता है। ठीक है, जो टैबलेट्स होते हैं, मोबाइल टैबलेट्स, वो भी लैपटॉप हुए। तो केवल कंप्यूटर और लैपटॉप्स ही कंप्यूटर नहीं होते हैं। ठीक है, लैपटॉप और अपन PCs जो बोलते हैं ना, वही कंप्यूटर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो या तो आपको समझ में आया। अब हर डिवाइस भी कंप्यूटर नहीं हो सकता ना, तो अपन कुछ एग्जांपल देखें। तो जो फ़ैन होता है, अपन जो फ़ैन यूज़ करते हैं ना, वो कंप्यूटर नहीं है। अपन जो ट्यूबलाइट या बल्ब यूज़ करते हैं, वो कंप्यूटर नहीं है। अब ऐसा क्यों, आप पूछोगे, ऐसा क्यों, ये कंप्यूटर्स क्यों नहीं है? वो भी अपन इनपुट देते हैं, अपन बल्ब चालू करते हैं तो इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस घूमता है और लाइक ऐसा कुछ नहीं, वो कंप्यूटर नहीं है। उसमें एक एक चीज़ की कमी है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट अपन को फील होता है, ये हवा आ रही है तो फील हो रहा है, बट वो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ये जो बल्ब कंप्यूटर सॉरी बल्ब फैन और ट्यूबलाइट जो है ना, दे आर इलेक्ट्रिकल डिवाइस, नॉट इलेक्ट्रॉनिक। अब आप पूछोगे कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक डिवाइस में क्या फ़र्क है, तो वो अपन अगली स्लाइड में देखते हैं। चलो, तो बट इस जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, उनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट उनमें सिर्फ एक ही सिमिलरिटी होती है कि वो दोनों डील करते हैं किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का काम तो दोनों को ही पड़ेगा, बस यही इसमें सिमिलरिटी है, और सब अलग ही अलग है। अब क्या क्या अलग है, चलो देखते हैं। तो अगर अपन इलेक्ट्रिक डिवाइस को समझें तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस चेंज द इलेक्ट्रिसिटी करंट इंटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट और मोशन। मतलब जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेते हैं और उसको किसी अन्य एनर्जी में मतलब बदल देते हैं। जैसे अगर अपन फैन को देखें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहा है, ठीक है, और उसको काई में बदल रहा है, मोशन में। मतलब मैंने बताया ना यहाँ पे मोशन, आपको वो घूम रहा है और आपको कुछ भी आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, अगर ट्यूबलाइट की बात करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी लेती है और आपको लाइट प्रदान करती है, या फिर अगर जैसे टोस्टर या फिर हीटर की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी लेता है लेकिन आपको हीट जनरेट करके देता है, जिससे आप पानी गर्म कर सकते हो, खाना बना सकते हो, जो भी है। ठीक है, तो वो सब आते हैं काई में इलेक्ट्रिकल डिवाइस में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो ये सब काम तो करते ही हैं, साथ ही वो करंट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मतलब करंट का बहाव इस तरह से चेंज करेंगे कि लाइक वो कुछ टास्क परफॉर्म कर पाएँ। तो एक एग्जांपल से समझ लेंगे अपन, किस एग्जांपल देखते हैं अपन पहले। ठीक है, जैसे टोस्टर मतलब जिसमें अपन टोस्ट बनाते हैं, ठीक है, टोस्ट, ठीक है, तो वो गर्म होता है, अपन को हीट उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है और अपन को हीट प्रदान करता है ताकि अपन टोस्ट गर्म कर पाएँ। जैसे फैन है तो वो मोशन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, और ट्यूबलाइट मैंने बताई सही अभी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर या फिर मोबाइल एक्सेट्रा, इसमें काफ़ी सारा आपने ऑलरेडी देख चुके हो। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन या फिर टोस्टर, तो आपने वहाँ भी बोला, तो ये फिर इलेक्ट्रॉनिक कैसे हो गया? तो कुछ टोस्टर होते हैं जो केवल हीट जनरेट करके बस, उनमें और कुछ भी नहीं होता, वो करंट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जिससे मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो अगर कोई टोस्टर इलेक्ट्रॉनिक हुआ तो वो ऐसा टोस्टर होगा जिसमें आप कोई टाइमर सेट कर सकते हो या फिर ऐसा कुछ कर सकते हो जो कि मतलब जिसमें कोई चिप लगी हो जो करंट को मैनिपुलेट करे। जैसे तो अगर आपने टाइमर सेट कर दिया तो उसके हिसाब से ही बता देगा कि बस आपका टोस्ट रेडी है या आपका टाइमर ख़त्म हो गया है या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, अगर वॉशिंग मशीन की बात करें तो वॉशिंग मशीन में भी आप टाइमर सेट कर सकते हो अगर वो इलेक्ट्रॉनिक हुई तो। ठीक है, तो उसमें टाइमर सेट कर सकते हो और उसको बता सकते हो कि इतनी देर तक घूमना, इतना पानी, ये वो, मतलब उसमें कुछ समझ होती है। अगला पॉइंट वही है, नो डिसीजन मेकिंग पावर्स। मतलब
इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस होते हैं उनमें कोई डिसीजन नहीं बना सकते। मतलब अगर कोई टोस्टर है या फैन है तो उसके हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकता कि कितना उसको घूमना है, कितना तेज़ी से घूमना है, कितना धीरे घूमना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक फैन होगा तो वो कर सकता है ऑफकोर्स, बट वही तो बात है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में यही फ़र्क है, ये करंट को मैनेज कर सकते हैं। मतलब ये सब काम करने के अलावा ये अदर टास्क भी कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें डिसीजन मेकिंग पावर्स होती है, जैसे अपन ने पीसी कंप्यूटर्स वो तो हैं ही, वो तो डिसीजन करते ही हैं। लेकिन जैसे अगर वॉशिंग मशीन में डाला तो वॉशिंग मशीन डिसाइड कर सकती है कि कब आपका जो है कपड़े धुल चुके हैं, या फिर अपन टाइमर सेट कर सकते हैं उसमें। इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर बता देगा आपको कि आपके टोस्ट गर्म हो चुके हैं या इतने टेम्परेचर के बाद वो बंद हो जाएगा, तो इस तरीके से, ठीक है। तो इनमें जो है डिसीजन मेकिंग पावर्स होती है, मतलब ये कुछ डिसाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनको बोलेंगे। मतलब एक तरह से ऐसा समझ लो कि इनमें समझ होती है, इनमें समझ नहीं होती है, ठीक है। अगर एक पॉइंट की ओर बात करें तो ये मतलब यूजुअली हाई वोल्टेज पे ही काम करेंगे। मतलब जैसे फैन है, टोस्टर या ट्यूबलाइट, तो इनको एसी करंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और मतलब हाई वोल्टेज चाहिए इनको, क्योंकि इनमें जो मशीन्स होती हैं वो हाई वोल्टेज पे काम करती हैं, और नॉर्मली इनको जो क्या है लो वोल्टेज में भी काम कर दे। तो आप बोलोगे कि वॉशिंग मशीन लो वोल्टेज पे कैसे काम करेगी, तो वो ऐसे कि जैसे वॉशिंग मशीन पूरी इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, वो कैसे, वॉशिंग मशीन के जो अदर पार्ट्स हैं वो पूरे तो इलेक्ट्रिक से बने हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पार्ट हैं। अगर अब मैं वो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक हटा दूँ तो वॉशिंग मशीन तो इलेक्ट्रिक डिवाइस ही रह गया ना। तो इलेक्ट्रिक मशीन पूरी जो है वो पूरी इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, उसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो टाइमर को या इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो इसलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक अपन बोल सकते हैं। तो वो पार्ट क्या लेते हैं, डीसी करंट लेते हैं, मतलब कम करंट में भी उनका काम चल जाएगा। अगर आप ज़्यादा करंट उनको दोगे तो सिस्टम ख़राब हो सकता है, मतलब वो जो पूरी मशीन ख़राब नहीं होगी, उससे ही तो वो चल रही है एसी करंट से। लेकिन अगर एसी करंट वहाँ तक पहुँचता है, कहाँ तक, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वॉशिंग मशीन का, तो ख़राब हो सकती है, जैसे टोस्टर में भी यही है, ठीक है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कंपेयर समझ में आया होगा। तो अगर कोई कंप्यूटर को, कोई थिंग को कंप्यूटर होना है तो उसको एक तो इलेक्ट्रॉनिक होना पड़ेगा, मतलब उसमें थोड़ी समझ होनी चाहिए। सेकंड, वो इनपुट लेना चाहिए, प्रोसेस करना चाहिए और आउटपुट देना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक सा ये डिफरेंस है अपना कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो दो पार्ट से बना होता है, एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। तो अब हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर हर वो पार्ट होता है जिसको आप टच कर सकते हो या देख सकते हो कंप्यूटर में, ठीक है। तो जैसे अपना कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या फिर अंदर भी जैसे रैम हो गई, उसको टच कर सकते हो आप, देख सकते हो जरूर, ऑफकोर्स है कि नहीं। अपना डिस्प्ले हो गया या फिर जो भी है, आप समझ गए, ठीक है। तो वो सब कहलाते हैं क्या, हार्डवेयर। किसके हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो वही कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले, रैम, हार्ड डिस्क, वायर्स जो भी होते हैं उसमें, चिप जो लगी होती हैं, उन सबको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ instructions instructing a computer to do specific tasks। मतलब आप जैसे अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है तो वो सॉफ्टवेयर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो कंप्यूटर में कोई टास्क परफॉर्म कर सकता है, मतलब उसको इंस्ट्रक्ट कर सकता है, उसको बता सकता है कि भैया तेको क्या करना है। कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के कुछ भी नहीं है, उसमें समझ नहीं है कि क्या करना है। अगर आपको उसमें समझ डालनी है, उसको समझाना है कि उसको क्या करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। एग्जाम्पल देखें तो जैसे आपके कंप्यूटर में VLC मीडिया प्लेयर होगा, तो किसी बंदे ने वो सॉफ्टवेयर बनाया है किसी वीडियो को उस पर रन करने के लिए, मतलब प्ले करने के लिए। मतलब कंप्यूटर को समझना पड़ता है, जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर रन होता है तो उसको समझना पड़ता है, अच्छा ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, अच्छा इसका काम है रन ये वीडियोज़ प्ले करना, ठीक है। जैसा कोई ने फोटोशॉप बनाया तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है, क्रोम, वेबसाइट्स जो भी बनती हैं सभी सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। लेट्स से आपने एक VLC प्लेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, आपको उसको ओपन तो करना पड़ेगा, तो आपने उस पर डबल क्लिक किया, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कमांड्स होती है उसमें जो लिखी हुई कमांड्स होती है कि आपको ये करना है वो करना है, वो कैसे लिखेंगे अपन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से, ठीक है। तो वो जो कमांड्स होती है वो एक के बाद एक रन होती है। अब ऐसा नहीं कि आपको दिखेंगी रन होते हुए, कंप्यूटर अंदर ही उनको रन करता है, समझता है अच्छा क्या करना है इससे, फिर उसके बाद वो आउटपुट जनरेट करता है, अच्छा आपको एक वीडियो दिखाना है, ठीक है। तो आपको वो वीडियो प्ले करके दिखा देता है उस VLC मीडिया प्लेयर में। आप वैसे वीडियो प्ले नहीं कर सकते क्योंकि कंप्यूटर की अपनी कोई समझ नहीं होती है, उसको VLC या फिर कोई भी एक मीडिया प्लेयर चाहिए जिससे कि वो वीडियो को प्ले कर सके। जैसे फोटोशॉप है, आप उसमें फ़ोटोज़ एडिट कर सकते हैं, तो उसमें वो सब कोडिंग उसमें समझाया गया है कंप्यूटर को कि आपको इस तरह से ये करना है वो करना है। क्रोम है, उस पर आप वेबसाइट्स विजिट कर सकते हो, ये वो, तो आपको समझ आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। तो अब सॉफ्टवेयर्स के भी टाइप होते हैं, वो क्या क्या होते हैं चलो देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, नंबर वन होता है
सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स किसको बोलते हैं? सॉफ्टवेयर्स दैट वर्क फॉर सिस्टम या कंप्यूटर। सिस्टम यहाँ आप समझ लो कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो काम करेंगे किसके लिए? कंप्यूटर के लिए, ठीक है। मतलब जैसे अगर आप VLC प्लेयर को इंस्टॉल करते हो या जो भी है, तो वो तो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो अपने पर्पज़ के लिए काम कर रहा है। लेकिन कंप्यूटर में भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के पर्पज़ के लिए काम करती है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कंप्यूटर को ज़रूरत है, उससे वो चीज़ें समझता है ये वो। ड्राइवर्स, जैसे आप कोई फ़ोन को USB केबल लगाते हो तो इसमें सबसे पहले ड्राइवर इंस्टॉल होता है कि इस फ़ोन को अगर मेरे को समझना है तो पहले ड्राइवर इंस्टॉल होगा ताकि मैं इस फ़ोन को समझ पाऊँ, इसकी चीज़ें रीड कर पाऊँ। अब एक और यहाँ पे टर्म निकल के आती है, फर्मवेयर। अब ये फर्मवेयर क्या होता है, चलो समझते हैं। फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो परमानेंटली अटैच्ड होता है हार्डवेयर से। हार्डवेयर से ही आपने अटैच्ड कर दिया इस ऐसे सॉफ्टवेयर को, वो फर्मवेयर होता है, फर्मवेयर होता है। अब हार्डवेयर से अटैच्ड है मतलब कंप्यूटर से अटैच्ड है, मतलब सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ। तो ये कैसे होता है? जैसे आपने अगर वीडियो को एक प्ले किया तो ठीक है, उस पर वीडियो प्ले हो रहा है, लेकिन जो पिक्सल्स हैं उनकी भी तो अपनी समझ है कि कौन सा पिक्सल कब दिखाना है, कौन से रंग का दिखाना है। या फिर जैसे एक और एग्जांपल लें तो अपने टीवी का रिमोट, ठीक है, तो रिमोट की अपनी समझ होती है कि अगर अपन यहाँ से 2 का बटन दबाएंगे तो वहाँ पे आपको कौन सा सिग्नल भेजना है। उसमें इनबिल्ट वो सॉफ्टवेयर होता है, मतलब वो क्या होता है, फर्मवेयर। उसको अपन नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते, मतलब फर्मवेयर्स को छेड़छाड़ नहीं कर सकते अपन नॉर्मली। जो अगर देते हैं कंपनी वाले तो वही बना के देते हैं, अपन को छेड़छाड़ करने का मौका नहीं मिलता है। जैसे अगर एंड्रॉयड है, अगर उसको अपन रूट कर देंगे तो अपन उसके सॉफ्टवेयर से, फर्मवेयर से छेड़छाड़ कर सकते हैं, बट नॉर्मल कंडीशंस में उसके सॉफ्टवेयर को अपन छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मतलब रिमोट में ऑलरेडी इनबिल्ट सॉफ्टवेयर लगा हुआ है कि अगर ये बटन दबाया जाए तो क्या हो, ये दबाया जाए तो क्या हो, टीवी को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर भी बनाया तो सिस्टम के लिए ही है। मैंने बोला था अभी कि सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम केवल या कंप्यूटर केवल अपना PC या लैपटॉप कंप्यूटर तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लें, जैसे कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड की अपनी समझ है कि अगर अपन ये की दबाएंगे तो वहाँ पे क्या इनपुट देना है, ये वो, तो उसकी अपनी समझ है, उसके साथ ही अटैच होके आया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने अगर ए बटन दबाया तो आप ऐसा चेंज नहीं कर सकते कि उसमें क्या इनपुट जाएगा, उस इनपुट को चेंज नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी अटैच्ड आता है हार्डवेयर के साथ, ठीक है। और अगर अपन टीवी रिमोट की बात कर लें, जो कि मैंने अभी बताया, ठीक है। तो अब समझते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो यूज़र के काम के होते हैं, सिंपल सा। मतलब जैसे VLC मीडिया प्लेयर या जो भी मैंने अभी जो एग्जांपल्स बताए थे वही, या MS वर्ड ले लो, या कैलकुलेटर, जो भी, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर। अब कैलकुलेटर, रियल कैलकुलेटर नहीं, जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर आता है कैलकुलेटर, वो क्रोम हो गया, फोटोशॉप, ये अपने यूज़र्स के काम के होते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो अपन यूज़र को मतलब हो, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनका मतलब अपन यूज़ कर पाए। मतलब अगर कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे लाइक मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो यूज़र पे डिपेंड नहीं करता है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप MS वर्ड चलाओ ना चलाओ, क्रोम चलाओ ना चलाओ, तो वो सॉफ्टवेयर अपन पे डिपेंड करता है, मतलब यूज़र्स के लिए बनाया जाता है। यूज़र यूज़ करें ना करें, उनकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं ड्राइवर्स यूज़ ना करूँ, ऐसा क्या सोचते, आप वो चीज़ चला ही नहीं सकते ना फिर, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सॉफ्टवेयर्स के टाइप, ठीक है। तो अब जबकि आपने समझ लिया है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो अब अपन समझते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि हाउ सॉफ्टवेयर्स आर मेड, मतलब सॉफ्टवेयर्स बनाते कैसे हैं। तो इतना सब आपने समझा कि सॉफ्टवेयर्स क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, तो अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, अगर अपन को कंप्यूटर को समझाना है कि कंप्यूटर को क्या करना है, तो उसको अपन उसकी लैंग्वेज में तो समझा नहीं सकते। उसकी लैंग्वेज मतलब बाइनरी, ठीक है। तो बाइनरी लैंग्वेज में अगर अपन कोडिंग करेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा उसको समझाना, और ये हर किसी की बस की बात नहीं है। तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला गया, जो कि होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखो, ठीक है, उसको आप क्या करो, जैसे आपने कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर ली, लेट से .C, मतलब सी लैंग्वेज चूज़ कर ली, आपने क्या किया, उसमें इंस्ट्रक्शन लिख दिए कंप्यूटर के लिए कि आपको ये करना है वो करना है। कोई भी एक सॉफ्टवेयर ले लिया जो कि कंपाइलर, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, कंपाइल करेगा या बिल्ड करेगा, ठीक है। तो उसको उसने बिल्ड किया और फिर बनाई क्या, exe फाइल, जो कि होती है बाइनरी फाइल, या फिर ऐसा, तो ऐसी फाइल जो कि कंप्यूटर समझ पाए। मतलब आप इसमें कोडिंग करो, आपकी कोई भी पर्सनल लैंग्वेज जो भी आप चूज़ करते हो, उसको कंपाइल करो कोई भी सॉफ्टवेयर से, आते हैं हर लैंग्वेज के लिए, और वो उसको कन्वर्ट कर देगा एग्जीक्यूटेबल फाइल में। मतलब ऐसी फाइल जो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आए।
अब .exe किसको समझ में आती है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। अगर मैं मैक की बात करूंगा तो उसमें अलग होता है। तो .exe कौन समझेगा? अपना विंडोज। कोड ब्लॉक्स एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं, बिल्ड तो करना ही है अपन को। यहाँ पे ये होती है सोर्स फाइल, मतलब अपन ये सोर्स है उसका, मतलब एक वो जरिया है जिससे अपन वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी। तो किससे बनेगी? सोर्स फाइल से। आप यहाँ पे कोडिंग करोगे, ठीक है। आपको नहीं समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये उसने कन्वर्ट किया है कंप्यूटर को समझाने के लिए, ताकि कंप्यूटर समझ पाए कि क्या हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है। तो आप भी कोई एक लैंग्वेज चूज़ कीजिए और उसके हिसाब से उस वो लैंग्वेज जिस चीज़ के लिए कैपेबल हो, मतलब हर लैंग्वेज हर चीज़ नहीं बना सकती, जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करते हो, जो भी आपको करना है, जैसे ऐप्स बनाने तो जावा स्विफ्ट जो भी है, तो आप उसको चूज़ करो और उसमें कोडिंग करो, आप उसका सॉफ्टवेयर बनाओ, सॉफ्टवेयर आपका जो मनपसंद टास्क है वो पूरा करके देगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।